नमस्कार, सीजन 24 में आप सभी का स्वागत है। जिले के भारतीय विद्यालय और आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय अर्जुनदेव के बच्चों को पुस्तक बांटकर मनाया गया प्रवेश उत्सव, जिसमें संसदीय सचिव और विधायक कुंवर सिंह निषाद की उपस्थिति में संपन्न हुआ। शाला प्रवेश उत्सव और पुस्तक वितरण के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने अपने उद्बोधन में कहा, गुरु और शिष्य की रिश्ता बड़ा ही पावन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। कार्यक्रम में बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। साथ ही संस्था के शिक्षकों के द्वारा भारतीय विद्यालय की छत की स्थिति को स्पष्ट किया गया। विधायक कुंवर सिंह निषाद का ध्यान उस ओर ले जाया गया। निवेदन भी किया गया कि भवन का जीर्णोद्धार तत्काल किया जाए। इस कार्यक्रम में कोरोना महामारी के सभी नियमों का पालन किया गया और अंत में वृक्षारोपण भी किया गया। छत्तीसगढ़ जिला बालोद से सीजी न्यूज प्लस 24 की खास रिपोर्ट देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24। मिनिमम 2 साल से हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे, स्कूल नहीं आ रहे थे, तो आज 2 साल बाद स्कूल आके बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। 1.5 साल से बंद था, हमको ठीक नहीं लग रहा था और हमारे दोस्त भी बिछड़ गए थे, इसलिए बहुत दिन के बाद आज स्कूल खुला है तो आज हम लोग आए हैं और आगे ऐसे ही खुला रहे तो अच्छा बनेगा। थी लगभग 1.5 साल के लंबी अंतराल के बाद अध्यापन और अध्ययन का काम सुचारू रूप से संचालन हो करके सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इसके लिए मैं सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करता हूँ जनप्रतिनिधि होने के नाते, और साथ ही ये अपेक्षाएँ भी करता हूँ मेरे सम्मान्य जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, शिक्षकगण हैं, पालकगण हैं और छात्र हैं, कि इस अवधि के बाद हमने देखा है मोहल्ला क्लास या ऑनलाइन क्लास में जो अध्ययन और अध्यापन होना था प्रत्यक्ष रूप में जिसकी ज़रूरत होती है, और इस ऑनलाइन के माध्यम से जो हुआ उसमें निश्चित ही छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की हम भरपाई कैसे करें, इन्हीं को पूरा करने के लिए नियमित रूप से कक्षाएं लगनी चाहिए। इस विषय पर सरकार का सुचारू रूप से जो कदम हुआ इसका भी हम स्वागत करते हैं, और साथ ही इस अध्यापन के कार्य में कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं, शासन के जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसको पालन करते हुए कक्षाएं भी नियमित रूप से संचालित हों, संक्रमण के बचाव से भी हम लोग बचें, और साथ ही अन्य जो बातें हैं शासन के जो निर्देशों का वो भी पालन करें। और आज स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय का जो शुरुआत निश्चित ही सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है कि इस साल 152 उत्कृष्ट आत्मानंद विद्यालय की शुरुआत की है, कि सरकार की एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है कि हर बच्चों को उनके अधिकार के तहत शिक्षा मिले और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का संचालित होना ये शिक्षा के स्तर को बढ़ा देना, साथ ही सरकार की जो अन्य योजना से स्वास्थ्य के संबंध में तो निश्चित ही सरकार जो ऐतिहासिक और ये जो निर्णय लिया है कि बच्चों का जो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हो या अन्य के माध्यम से, कि हम उसके स्तर को कैसा ऊँचा उठाएँ और अच्छा उनको शिक्षा दें, ये हमारी सोच है। सरकार की इन उपलब्धियों का आज यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दिख रहा है कि आज हमने इस प्रवेश उत्सव के माध्यम से इस उत्कृष्ट स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय स्कूल का हमने आज प्रवेश उत्सव भी मनाया है, और अर्जुनदा शासकीय भारतीय उच्चतर माध्यमिक शाला के इस प्रांगण में हिंदी मीडियम और अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें लगातार संयुक्त रूप से संचालित होगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और क्षेत्र की जनता को भी इसकी सौगात मिला है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार करते हैं कि उन्होंने शासन की योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जो अभिनय प्रयोग किया है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार, धन्यवाद। 1.5 साल के बाद आज स्कूल आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि सब बच्चे आत्मानंद के माध्यम से, इंग्लिश मीडियम के माध्यम से और हिंदी मीडियम के माध्यम से हमारे बच्चे आज पढ़ेंगे, उन लोगों को शिक्षा मिलेगी और कोविड का गाइड का पालन करते हुए इन बच्चों का खेल कूद में भी लोगों का आगे बढ़ेंगे लोग, और पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे, और टीचर सर लोग भी इन लोगों के कोविड का ध्यान रखते हुए बच्चे को ध्यान देते हुए इन लोगों का पढ़ाई में ध्यान देंगे। ओके, नमस्कार।
मैं एम एस चौहान, विकासखंड शिक्षा अधिकारी गुंडरदेही। शासन के निर्देशानुसार 2 अगस्त को शाला खुलना है, इस हेतु सारे संकुल समन्वयक, सारे प्रिंसिपलों का बैठक लिया जा चुका है और उनको कोविड नियम का पालन करते हुए स्कूल का संचालन करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसमें अनिवार्य रूप से मास्क बच्चे लगाएं, सैनिटाइज कक्षा और स्कूल को सैनिटाइज किया जाए, साथ ही मध्याह्न भोजन कक्ष की साफ़ सफाई एवं बर्तन ये भी साफ़ सफाई हो जाए, और प्रारंभिक रूप से चावल, सब्जी, दाल, ये इसकी तैयारी पहले से की जाए।